लोकसभा चुनाव से करीब 100 दिन पहले देश में किसकी हवा है? एबीपी न्यूज ने सी वोटर के साथ देश का मूड जानने की कोशिश की है। ये सर्वे नवंबर के आखिरी हफ्ते से लेकर दिसंबर के तीसरे हफ्ते के बीच किया गया है। देश भर में किए गए इस सर्वे में 57,701 लोगों से बात की गई है। तो साल का ये सबसे बड़ा सर्वे आपको हम दिखाएं अपने मेहमानों के पास चले, लेकिन पहला आंकड़ा उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को लेकर क्या कहता है, ये जानने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं नेहा का। तो आइए पहले बड़े आंकड़े से हम शुरुआत करते हैं और वर्तमान स्थिति यूपी में यह है कि महागठबंधन की चर्चा जोरों से हो रही है पर महागठबंधन बना नहीं है। तो अगर यूपी में महागठबंधन नहीं बना यानी वर्तमान स्थिति रहती और अगर आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाए तो देश का मूड, यूपी का मूड खासतौर पर क्या कह रहा है, कुल 80 सीटें लोकसभा की और एनडीए के खाते में 72 सीटें जाती हुई, यानी एनडीए की बल्ले बल्ले। अगर महागठबंधन नहीं है तो फिर यूपी में हर तरफ एनडीए की लहर। समाजवादी पार्टी देखिए सिर्फ 4 सीटों पर सिमटती हुई, बुरा हाल अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का। अगर वो महागठबंधन नहीं करते तो मायावती भी सिर्फ 2 सीटों पर उनकी पार्टी बीएसपी सिमटती हुई दिखाई दे रही है। यानी बड़ी जानकारी ये यूपी में अगर महागठबंधन नहीं बना तो एनडीए को फायदा ही फायदा है। 2014 के मुकाबले सिर्फ 1 सीट का नुकसान चित्रा और 72 सीटें उत्तर प्रदेश से एनडीए के खाते में जा रही हैं अगर महागठबंधन नहीं बनता यानी वर्तमान स्थिति कायम रहती है। बिल्कुल सही कहा नेहा आपने, 2014 वाली स्थिति यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ 2 सीटों का फायदा हो रहा है यहां पर मायावती को क्योंकि उनका तो खाता भी 2014 में नहीं खुला था। अखिलेश यादव की पार्टी को कुल 5 सीटें मिली थी लेकिन इस बार 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही 73 सीटें एनडीए ने उत्तर प्रदेश में जीती थी लेकिन इस बार 72 यानी कि 1 सीट का नुकसान। यूपी के एक्सपर्ट प्रदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी किस तरह से इस आंकड़े को देख रहे हैं, एनडीए 72, एसपी 4, बीएसपी 2, कांग्रेस 2। देखिए इस आंकड़े को अगर सही मान लें कि ये रिजल्ट में बदलें तो 2-3 बातें स्पष्ट होती हैं। एक की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, अगर सरकार से नाराजगी होती तो अलायंस हो या ना हो, महागठबंधन बनेगा तो ज़्यादा नुकसान होगा, नहीं बनेगा तो कम नुकसान उससे होना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई नुकसान होता हुआ दिखाई ही नहीं दे रहा है। ये आप बड़ी बातें कह रहे हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल, वक्त तो बहुत कम है, महागठबंधन अभी बना नहीं है, बनेगा या नहीं बनेगा ये भी अपने आप में सवाल है। लेकिन दूसरा सवाल उत्तर प्रदेश को लेकर कि अगर महागठबंधन बन जाता है तो तस्वीर क्या होगी, जानते हैं नेहा से। चर्चाओं का बाजार गर्म है और अगर महागठबंधन बन गया 100 दिन पहले या 100 दिन आते आते लोकसभा चुनाव तक, तब यूपी में क्या तस्वीर होगी? 80 विधानसभा सीटों में तब किसका पलड़ा भारी होने वाला है? आइए बड़ी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देश का मूड तब यह कह रहा है कि पलड़ा जो है उस वक्त महागठबंधन अगर बन गया तो देखिए एनडीए किस तरह से 28 सीटों पर उत्तर प्रदेश में सिमटता हुआ नजर आ रहा है और महागठबंधन यानी एसपी बीएसपी आरएलडी इनका गठजोड़ 50 सीटें लेता हुआ नजर आ रहा है। हमने कांग्रेस को इसलिए शामिल नहीं किया है क्योंकि कांग्रेस इस महागठबंधन का हिस्सा नहीं है, तो सिर्फ 2 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। यानी एनडीए का खेल यूपी में हो रहा है खराब। अगर समाजवादी पार्टी और बीएसपी यानी अखिलेश और मायावती हाथ मिलाते हैं तो एनडीए को बहुत भारी नुकसान लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में होता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ 28 सीटें एनडीए को और चित्रा 50 सीटें, 50 सीटों का बड़ा आंकड़ा 80 में से जा रहा है महागठबंधन के खाते में अगर यूपी में महागठबंधन बनता है तो। ये बड़ी बातें नेहा आपने कही और हाल ही में जितने भी उपचुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में उसका हाल भी हमने देखा, चाहे खुद गोरखपुर की बात करें, फूलपुर की बात करें, कैराना की बात करें। जल्दी से नेशनल एक्सपर्ट हमारे राजकिशोर जुड़े हुए हैं। अगर महागठबंधन बन जाता है तो यहां पर तो सीधे सीधे 45 सीटों का नुकसान हो रहा है एनडीए को। हाँ चित्रा, देखिए वो जातीय समीकरण और सामाजिक समीकरण ऐसा है कि उसमें इस तरीके की तस्वीर आ सकती है, लेकिन जो फूलपुर और गोरखपुर की बात आपने कही मुझे लगता है कि उसको नजीर नहीं माना जा सकता क्योंकि उस समय बीजेपी बहुत रिलक्टेंट थी और उसका वोटर निकला नहीं था। यदि वोट प्रतिशत ज्यादा होता तो तस्वीर शायद दूसरी भी हो सकती थी। लेकिन महागठबंधन अभी बना नहीं है, उसके बनने की या नहीं बनने की संभावनाएं। अभय दुबे जी भी हमारे साथ नेशनल एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं, आप कितनी देख रहे हैं, बनेगा नहीं बनेगा क्या होगा? देखिए महागठबंधन तो निश्चित रूप से बनेगा, नाम उसे कोई भी दें। उसकी वजह यह है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो सामाजिक आधार है यानी मुख्य तौर पर जाटव और मुख्य तौर पर यादव, ये दोनों चाहते हैं कि आपस में गठजोड़ हो जाए। भाजपा महागठबंधन का सामना करेगी तो उसकी स्थिति 2014 के मामले बेहद कमजोर हो जाएगी। फिलहाल अब तक जो 2 बड़े आंकड़े हमने देश के सामने रखे हैं उसके मायने क्या है जल्दी से उसके बारे में आपको बता देते हैं। देश का मूड ये कहता है कि महागठबंधन बनने की स्थिति में सीधे सीधे नुकसान होगा एनडीए
को यूपी में महागठबंधन नहीं तो फिर बीजेपी की बड़ी जीत होगी। 2014 वाले ही प्रचंड स्थिति हम देख रहे हैं। अगर महागठबंधन नहीं बना तो यूपी में महागठबंधन बना तो फिर बीजेपी को नुकसान होगा। और हमारा जो आंकड़ा है ये बता रहा है कि 45 सीटों का सीधे सीधे नुकसान साल के आखिर में किया गया। ये सर्वे हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सभी की निगाहें टिकी हुई है। यूपी की बात हमने कर ली है और अब आगे बढ़ते हुए पड़ोसी राज्य बिहार लेकर चलते हैं आपको, जहां से आती हैं कुल 40 सीटें। वहां का आंकड़ा क्या कहता है सीधे जानते हैं नेहा से। तो बिहार की 40 सीटों की अब हम बात करते हैं। काफी गठबंधन को लेकर उठा पटक रही है। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ यूपीए है। अगर आज की तारीख में वहां चुनाव हो जाए तो देश का मूड क्या कह रहा है, आइए बिहार की 40 लोकसभा सीटों की बात करते हैं। इस बार जेडीयू जो है वो बीजेपी के साथ है और देश का मूड ये कह रहा है कि अगर आज बिहार की जनता को वोट देना हो तो कुल 40 सीटों में से वो 35 सीटें, सोचिए 35 सीटें एनडीए के खाते में दे रही है। यानी बीजेपी नीतीश कुमार और एलजेपी के गठबंधन पर मोहर लगाती हुई बिहार की जनता, और यूपीए जिसको लालू प्रसाद यादव की पार्टी एक तरह से नेतृत्व कर रही है, इसमें कांग्रेस भी शामिल है, यूपीए सिर्फ और सिर्फ 5 सीटों पर सिमटती हुई। यानी पूरी तरह से दबदबा बीजेपी जेडीयू और एलजेपी का कायम बिहार में। 40 में से बंपर 35 सीटें जो है वो आज की तारीख में अगर लोकसभा चुनाव हो जाते हैं तो सीधे बिहार से 35 सीटें जा रही हैं एनडीए के खाते में, और बुरी तरह पिटता हुआ दिखाई दे रहा है यूपीए बिहार में। चित्रा, बिल्कुल कमाल का प्रदर्शन यहाँ पर एनडीए का देखने को मिल रहा है और ये अपने आप में बेहद जबरदस्त है, क्योंकि सिर्फ 5 सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई और कुल 35 सीटें। आपको बता दें कि एनडीए ने 2014 में कुल 31 सीटें जीती थी और उस वक्त नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए का हिस्सा नहीं थी। फिलहाल अब तक की बिग पिक्चर आपको दिखाते हैं। बिहार में एनडीए को बड़ी जीत, जो बिहार के आंकड़े सामने आए हैं साल के आखिर में किए गए हमारे सर्वे में, एनडीए को बड़ी जीत वहां पर मिल रही है। यूपी में महागठबंधन नहीं तो बीजेपी की बड़ी जीत होगी। महागठबंधन नहीं बनने की स्थिति में उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत होगी, लेकिन अगर महागठबंधन यानी कि बुआ और बबुआ का गठजोड़ वहां पर हो गया तो फिर बीजेपी को होगा बहुत बड़ा नुकसान। उसकी भरपाई कैसे करेगी बीजेपी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अपने एक्सपर्ट से हम जानेंगे, लेकिन बिहार की हम बात कर रहे हैं। आपको बता दें बिहार के कुल 40 में से 35 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बिहार के एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ अरविंद मोहन जी मौजूद हैं। अरविंद जी, यहां पे तो प्रचंड तरीके से एनडीए जीतता हुआ बिहार में, इसकी बड़ी वजह क्या देख रहे हैं आप? दोनों पोल मिल गए हैं, बीजेपी भी मिल गई, नीतीश भी उधर आ गया, तो ये भारी चेंज है। और पिछली बार महागठबंधन और एनडीए के बीच में 6% का ही गैप था, तो नीतीश कुमार अगर 6% वोट भी शिफ्ट कराएं, 4% भी कराएं, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। पूरे स्टेट का ट्रेंड है और मेरे हिसाब से ये सही ट्रेंड है, क्योंकि और इसकी मुख्य वजह नीतीश कुमार का पाला बदलना ही है। मुख्य वजह नीतीश कुमार का पाला बदलना है, ये बड़ी बात है। आपको बता दें कि बिहार की 40 में से 35 सीटें अगर एनडीए को मिलेंगे तो उत्तर भारत में कम से कम अब तक जो बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई है वो यही कहती है कि सबसे बड़ा फायदा एनडीए को बिहार से ही होने जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में महागठबंधन को लेकर अभी भी पसोपेश है। हालांकि बना तो नहीं है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि 2019 के पहले महागठबंधन बन जाएगा और बनने की स्थिति में बड़ा नुकसान होगा एनडीए को। हमने बात कर ली है बिहार की और अब लेकर चलते हैं आपको महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आती हैं कुल 48 सीटें, वहां पर स्थिति क्या होगी जानते हैं नेहा से। तो देखिए, यूपी और बिहार में वर्तमान स्थिति में एनडीए की बल्ले बल्ले हो रही है, अच्छी खबर आ रही है। अब जरा महाराष्ट्र का हम रुख कर लेते हैं। 48 सीटें यहां पर हैं। शिवसेना बीजेपी को आंख दिखा रही है, पर अभी शिवसेना बीजेपी साथ साथ है। अगर आज की तारीख में महाराष्ट्र में चुनाव हो जाए, एनडीए को सिर्फ 18 सीटें मिल रही है 48 में से, खतरे की घंटी है बीजेपी और शिवसेना के लिए। जबकि यूपीए देखिए, वहां रिवाइव करता हुआ कांग्रेस एनसीपी का कंबाइन 30 सीटें लाता हुआ नजर आ रहा है। अगर आज की तारीख में महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हो तो ये बड़ी खबर देश के मूड में। महाराष्ट्र से चित्रा, एनडीए को 2014 में 42 सीटों पर बंपर जीत मिली थी, आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसको वहां की जनता अब साल के आखिर में दे रही है सिर्फ और सिर्फ 18 सीटें 48 में से, जबकि यूपी के खाते में 30 सीटें जाती हुई। हमारे साथ सी वोटर के निदेशक यशवंत देशमुख जी हैं। यशवंत, ये जो आंकड़ा हमने दिखाया है महाराष्ट्र का, ये क्या कहता है? ये केवल ये कह रहा है आंकड़ा कि शिवसेना ने बोला है कि वो एनडीए के अंदर सरकार में है लेकिन वो चुनाव अलग लड़ेंगे। इस कैलकुलेशन में शिवसेना और बीजेपी अलायंस की तरह ट्रीट नहीं किए गए हैं। इस कैलकुलेशन में यूपीए यूपीए की तरह लड़ रहा है, यानी कांग्रेस एनसीपी साथ में लड़ रहे हैं, लेकिन शिवसेना और बीजेपी अलग अलग लड़ रहे हैं। इसमें शिवसेना जीते तो कब, यहां पे देखना होगा कि इसके बाद में हो सकता है कि यूपीए के नंबर 30 तक पहुंचा दे, हो सकता है एनडीए की कश्ती वो डुबा दे। रशीद जी, फिर तो शिवसेना खुद भी डूबेगी जैसा कि यशवंत बता रहे हैं और बीजेपी को भी डुबाएगी। लग रहा है कि ऐसी हिमाकत करेगी महाराष्ट्र में शिवसेना?
देखिए चित्रा, महाराष्ट्र की राजनीति थोड़ी विचित्र है। वहाँ के ऊपर जब ये अलग अलग लड़ते हैं तो इनका एक एक एक्सपेंशन होता है एक तरीके के, दोनों को ज्यादा सीटें, क्योंकि आप ये देखिए अगर सीटों का तालमेल होता है तो उसमें भाजपा को नुकसान होगा। आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं गुजरात। गुजरात में कुल 26 सीटें हैं। 2014 में 26 की 26 गुजरात की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में डाल दी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद क्या तस्वीर बदल गई है? साल के साक्षी सर्वे का आंकड़ा क्या कहता है, जानते हैं नेहा से। तो महाराष्ट्र की 48 सीटों के बाद आइए अब हम रुख करते हैं गुजरात की 26 सीटों का। यहां पर बीजेपी की 2014 में स्ट्राइक रेट 100% रही थी, लेकिन आज की तारीख में अब अगर चुनाव हो जाए तो जनता का मूड क्या कह रहा है? अब भी 26 में से 24 सीटें एनडीए को जाती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी गुजरात में मोहर साफ तौर पर बीजेपी पर लगती हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है और यूपीए यहां पर सिमटता हुआ, सिर्फ और 2 सीटें लोकसभा की जाती हुई, लेकिन एक बंपर मेजोरिटी 26 में से 24 सीटें, लगभग 2014 वाला रिजल्ट रिपीट होता हुआ एक तरह से आज की तारीख में अगर गुजरात में हो जाए लोकसभा चुनाव। चित्रा ने कहा नेहा आपने, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि 26 में से 24 सीटें बीजेपी अगर आज की तारीख में जीत रही है तो फिर कांग्रेस को मंथन करना होगा कि विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देने के बावजूद लोकसभा में वो इतनी पीछे आकर क्यों रह गई। फिलहाल अब तक जो आंकड़े हमने सामने रखे हैं उसके मायने क्या है, उसके बारे में जल्दी से दर्शकों को जानकारी हम दे दें। गुजरात में बीजेपी की बड़ी जीत, सर्वे ये बता रहा है, अब तक के बिग पिक्चर में ये बड़ी बात सामने आई है। गुजरात में कुल 26 सीटें हैं, 24 पर बीजेपी जीती हुई, महाराष्ट्र में यूपीए, बिहार में एनडीए की बड़ी जीत, अब तक की बिग पिक्चर सामने आई है। उत्तर प्रदेश में महागठबंधन नहीं तो बीजेपी की बड़ी जीत होगी, लेकिन महागठबंधन अगर बन गया तो फिर स्थिति बेहद खराब एनडीए की। यूपी में महागठबंधन बना तो बीजेपी को नुकसान होगा और बीजेपी फिर इसकी भरपाई कैसे करेगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। अनिल आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, गुजरात में तो 2014 वाली स्थिति, सिर्फ 2 सीटों का नुकसान हो रहा है बीजेपी को, लेकिन कांग्रेस कहां खड़ी है गुजरात में? देखिए कांग्रेस अभी क्राइसिस की सिचुएशन में है, वहां पे भी उन्होंने बहुत अच्छा किया असेंबली इलेक्शन में, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपनी जो भूमि अभी तलाशनी पड़ेगी उनको। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश को लेकर, जहां से सबसे ज्यादा 80 सीटें आती हैं और वहां पर बहुत कुछ बीजेपी का, समाजवादी पार्टी का, बीएसपी का और कांग्रेस पार्टी का दांव पर लगा हुआ है। एक बार फिर से चलते हैं नेहा के पास, बड़ी तस्वीर और बड़ा आंकड़ा यूपी को लेकर क्या कहता है नेहा? यूपी में 2 चीजें साफ है, अगर गठबंधन बनता है तो नुकसान एनडीए को हो रहा है, और अगर गठबंधन नहीं बनता यानी वर्तमान स्थिति रहती है तो साफ तौर पर 80 में से 72 सीटें जो हैं वो जा रही हैं एनडीए के खाते में। और जैसे कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, तो देश का मूड यह साफ कह रहा है कि अगर एसपी बीएसपी साथ आ गए तो एनडीए की खैर नहीं, लेकिन अगर वर्तमान स्थिति रही तो 72 सीटें आज की तारीख में भी एनडीए को मिल रही हैं और बाकी पार्टियों का अस्तित्व अकेले लड़के खत्म हो रहा है। समाजवादी पार्टी सिर्फ 4 सीटों पर, बीएसपी सिर्फ 2 सीटों पर आकर के टिक रही है और एनडीए को भरपूर फायदा मिलता हुआ 72 सीटें 80 में से जा रही हैं अगर यूपी में महागठबंधन नहीं बनता, जो वर्तमान स्थिति है। सिर्फ बड़ी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं और देखिए कांग्रेस पार्टी भी किस तरह से सिमट करके सिर्फ 2 सीटों पर आ रही है, तो यह बड़ी तस्वीर बन रही है अगर कोई महागठबंधन यूपी में नहीं बना। लेकिन क्योंकि आप देख रहे हैं एसपी बीएसपी और कांग्रेस की हालत खराब है, अगर महागठबंधन बन जाता है फिर वाकई में बहुत ही ज्यादा कांटे की टक्कर ये और एनडीए के लिए मुश्किल है, क्योंकि तब एनडीए का आंकड़ा देखिए 72 से सीधा घटकर 28 पे पहुंच रहा है, महागठबंधन सीधा बढ़कर 50 पे चला जा रहा है। इंडिविजुअल पार्टीज जो हैं, जब वो हाथ मिला रही हैं तो वो 50 के आंकड़े पर जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी इस महागठबंधन में शामिल नहीं है, क्योंकि हाल फिलहाल भी जो चर्चा हुई उसमें यही कहा गया कि कांग्रेस को दूर रखा गया, तो कांग्रेस सिर्फ 2 सीटें पा रही है। लेकिन आप देखिए एसपी बीएसपी की ताकत, अखिलेश और मायावती अगर हाथ मिला रहे हैं तो चित्रा 50 सीटें ले रहे हैं, यानी यूपी में जो फाइट है वो साफ है। महागठबंधन के आते ही एनडीए की हालत वहां खराब होना तय है और इस बात से बीजेपी भी अच्छी तरह से वाकिफ है, हालांकि खुलकर वो इस मामले पर कुछ कहती नहीं है, लेकिन अगर महागठबंधन बना तब तो बीजेपी के लिए बहुत बुरी स्थिति, कैसे निपटेगी बीजेपी इससे? देखिए सीधी सी बात है, अंकगणित का खेल है, जो बायपोल्स भी हुए अगर आप कैराना के रिजल्ट देखिए तो हारने के बाद में भी बीजेपी को 47% 46% वोट वहां मिले और कंबाइंड अपोजिशन महागठबंधन को 51%, इसे बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। बीजेपी के सारे चुनाव में इस समय 40% से 45% के बीच में एक वोट उसका बना हुआ है और एसपी बीएसपी ये दोनों जो है एसपी बीएसपी तो नुकसान कर रहे हैं ना उसे बहुत ज्यादा, ये कह रहा हूँ इन दोनों का अगर 20-25% का अपना बेस है जोड़ के ये नुकसान कर सकते हैं, लेकिन अगर ये स्प्लिट हो जाते हैं तो केवल अंकगणित है। अरविंद जी, एक साथ होने पर तो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। नहीं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, कास्ट का डिस्कोर्स चले तब नुकसान होगा, अगर कम्युनल डिस्कोर्स या बाकी डिस्कोर्स कोई और आया जिसमें कास्ट कट रहा हो
तो ये फिगर भी बदल सकता है। और इसीलिए बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा से लेके कोई भी हिंदू मुद्दा छोड़ने को तैयार नहीं लेकिन है। लेकिन बीजेपी ये भी बोल रही है ना कि हम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। लेकिन किस दिन क्या होगा ये कहना अभी मुश्किल है, ये पहले भी बोला गया है। मतलब राम मंदिर उसके लिए फायदेमंद हो सकता है, आप ये कह रहे हैं? नेशनल कार्ड उसको फायदा कर सकता है, कास्ट का डिस्कोर्स उससे कटेगा। जिस कास्ट की बात कर रहे हैं अरविंद मोहन जी, यहाँ पर बता दूं चूंकि वहां पर दलित वोटरों की संख्या अच्छी खासी है, 20% से ज्यादा यादव वोटर, 9% है मुसलमान, यानी कि ये अगर लोग आपस में जुड़ जाते हैं तो महागठबंधन के लिए विन विन सिचुएशन होगी। लेकिन साथ ही ये कह रहे हैं कि अगर वहां पर ध्रुवीकरण की राजनीति हुई तो तस्वीर बदल सकती है। अभय जी सहमत हैं क्या आप इस बात से? देखिए, अगर ध्रुवीकरण की राजनीति होगी तो निश्चित रूप से मैं अरविंद जी सहमत हूँ, तस्वीर बदल सकती है। लेकिन क्या ध्रुवीकरण की राजनीति होगी? क्योंकि 90 के पूरे दशक में जो राम मंदिर की लहर जो थी वो अपने शिखर पे थी, उसका भारतीय जनता पार्टी को कुछ चुनावी लाभ हुआ था कई जगह पर। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इस बात को लेकर संशय है कि क्या ये हांडी दोबारा चढ़ाई जा सकती है। ऐसा तो नहीं हम राम मंदिर पर चुनाव भी लड़ें और हम चुनाव जीत भी ना पाए। अगर ऐसा हुआ तो मुद्दा भी चला जाएगा साथ में और सत्ता भी चली जाएगी हाथ से। तो इस पर भाजपा के अंदर ऊहापोह है। ये काठ की हांडी बार बार चढ़ती है क्या रशीद जी? चित्रा देखिए, लोकतंत्र में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। एक तो सत्ता में आए, दूसरा है कि ये गठबंधन की सरकार जो खिचड़ी सरकार जिन्हें हम कहते हैं, और तीसरा होता है विपक्ष में। तो सबकी भूमिका रहती है। देखिए, जैसा मैंडेट आएगा उसके हिसाब से सरकार चलेगी। ये कोई ये कहना कि एक मुद्दे से हमारे यहाँ देश में ये नहीं होता। और मुझे नहीं लगता कि सांप्रदायिकता का मामला इस तरीके से उठेगा, क्योंकि 5 साल सरकार के मतलब मोदी जी के या तो उस सरकार के काम के ऊपर उसको मोहर लगेगी या उसको नकारात्मक होगा। भावनात्मक मुद्दे से अब फैसले नहीं होंगे। ये बड़ी बात ये कह रहे हैं। और यहाँ पर दर्शकों को जल्दी से मैं बता दूं कि अब तक जिन राज्यों की हमने बात की है, कुल 194 सीटों पर हमने यहाँ पर आंकड़े आपके सामने रखे हैं। और अब तक 194 सीटों पर बात करने के बाद 4 राज्यों की ये 194 सीटें, जिनमें से आपको बता दें कि 149 पर एनडीए, 39 पर यूपीए दिखाई दे रहा है, बहुत पीछे, बहुत ज्यादा पीछे, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, बाकी महाराष्ट्र, इन राज्यों में यूपीए कुछ कमाल करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और ये अपने आप में यूपीए के लिए कम से कम चिंता की बात है। इसके पहले पूरे आंकड़े पर मैं आऊं, उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। ये राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से गर्म करने की कोशिश तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के सामने राजनाथ सिंह कल भाषण दे रहे थे, उनके सामने किस तरह से विरोध हुआ है इसको लेकर। काट की हांडी फिर से चढ़ेगी क्या दोबारा? देखिए चित्रा, मैं इस ये जो थियराइजेशन है, ये जो प्रमेय है कि जातीय ध्रुवीकरण ध्रुवीकरण नहीं होता और धार्मिक ध्रुवीकरण ही सिर्फ ध्रुवीकरण है, ऐसी बात नहीं है। यदि जातीय ध्रुवीकरण के कारण ही समाजवादी पार्टी और बसपा को इतनी सीटें मिलती हैं। दूसरी बात, जो यदि राम मंदिर का मुद्दा नहीं आता है तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से एक बहुत बड़ा हिंदुओं का वर्ग जो है वो बिछड़ सकता है। लेकिन कोई ये कहे कि यही सिर्फ जीता चुनाव जिताएगी, ऐसा आकलन नहीं। और ऐसे भी नरेंद्र मोदी का चेहरा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा प्रधानमंत्री। इम्पोर्टेंट तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी था ना, लेकिन उसके रिजल्ट हमने देखे क्या हुआ। क्या लग रहा है सर आपको, खासतौर से उत्तर प्रदेश को? उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, जब राजनीतिक और सामाजिक रूप से परस्पर सामंजस्य वाली शक्तियां मिलती हैं तो उनका अर्थमेटिक जो है वो केमिस्ट्री में बदलता हुआ दिखाई देता है, जो बिहार में हमको दिखा। लेकिन उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी परस्पर विरोधी शक्तियां रही हैं। आप अगर केवल आंकड़े की बात कर रहे हैं, कल को आप बीजेपी और पीडीपी का आंकड़ा उठाइए और कहिए दोनों चुनाव से पहले अलायंस हो जाए, दोनों साफ हो जाएंगे। लेकिन 2014 में तो सेंध लगाई थी ना दलित वोट बैंक में, बीजेपी नेता भी तो जीते थे 71। बिल्कुल बिल्कुल, वही हम कह रहे हैं कि ये जो बसपा और सपा के गठबंधन की बात हो रही है, 93 में हो चुका है, तब भी वो बीजेपी से आगे नहीं निकल पाए थे। आज जो बसपा की स्थिति है 93 से बहुत कमजोर स्थिति है, ज्यादा कमजोर स्थिति है, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर वो कमाल करती हुई इन आंकड़ों में दिखाई दे रही है। अनिल जी, मैथमेटिकली या अरिथमेटिक अगर आप लें तो मैं प्रदीप जी की बात से सहमत हूँ, बसपा 0 पे है, हाशिए पे है, खासकर उत्तर प्रदेश में उनका खाता भी नहीं खुला। लेकिन परिस्थितियां बदलती हैं, कुछ परिप्रेक्ष्य बदले हैं, कुछ परिस्थितियां बदली हैं, कास्ट इक्वेशन कैसे जुड़ती हैं, नेशनल लेवल पे इश्यूज क्या हैं, उनको क्या हिट कर रहा है, ये सारी चीजें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और यूपी में जाति की
राजनीति तो बहुत ज्यादा हावी रहती है। लक्ष्मी देवी जी हमारे साथ साउथ की एक्सपोर्ट जुड़ी हुई हैं, लेकिन आपसे मैं यूपी पे भी कमेंट चाहूंगी। अब तक की चर्चा से आपको क्या लगता है, महागठबंधन बना तो फिर बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगी वहां पर? या वहां पे तो मुश्किल होगा, महागठबंधन बनेगा तो, बट राम मंदिर और बाकी जो इश्यूज है अगर वो ज्यादा आएगा तो दिक्कत है। ये एक्सपर्ट हमारी बड़ी बातें कह रहे हैं कि अगर राम मंदिर को लेकर कोई बड़ा फैसला हो गया या सरकार की ओर से कोई बड़ा कदम उठाया गया तो फिर बीजेपी को उसका सीधा सीधा फायदा होना तय है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। हमारे साथ अनुज जी हैं जो कि एमपी एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले बात उत्तर प्रदेश की हम करेंगे। यूपी का जो आंकड़ा सामने आया है, महागठबंधन बनने की स्थिति में और नहीं बनने की स्थिति में, क्या कहता है अनुज जी? मुझे लगता है कि आंकड़ा बिल्कुल सही है इस तरह का, क्योंकि यदि महागठबंधन नहीं बनता है तो बीजेपी की बल्ले बल्ले होना स्वाभाविक है, क्योंकि 40% वोटों के साथ वो स्वीप कर लेगी। नहीं बनने की स्थिति कोई देख रहे हैं क्या आप उत्तर प्रदेश में? मुझे लगता है गठबंधन बनेगा। इतनी देर क्यों हो रही है? बनेगा नहीं, चुनाव जब पास आएगा तभी वो सीटें घोषित होंगी। उम्मीदवार उन्होंने लगभग छांटने शुरू कर लिए हैं, अपने फाइनल करने शुरू कर लिए हैं। और अभी आप राम मंदिर की बात कर रही थी, देखिए उत्तर प्रदेश के लिए राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। वो काठ की हांडी की जगह लोहे की हांडी होगी जो बार बार चढ़ेगी। 1951 में जब वहाँ मूर्ति रखी गई थी, उसके बाद जो के नायर जो वहाँ कमिश्नर थे, उनकी पत्नी शकुंतला नायर हिंदू महासभा की टिकट पर उसके बगल की सीट को 50% से अधिक वोट लेकर के जीती। हिंदू महासभा पूरे देश में केवल 4 सीट जीती। इसलिए राम मंदिर बहुत बड़ा विषय है उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। अनुज गुप्ता जी ने यहाँ पर इतिहास के झरोखों से ये बताने की कोशिश की है कि तस्वीर क्या हो सकती है। लेकिन देखिए टीवी स्क्रीन पर आप नजर दौड़ाइए, 194 सीटों का हाल हमने आपके सामने रखा है, जिनमें से सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश की 80, बिहार की 40, महाराष्ट्र की 42 और इसके अलावा गुजरात की 26 सीटों की हमने बात कर ली है। और इनमें से जो बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आया है वो एनडीए के पक्ष में पूरी तरह से आप देख रहे हैं, 149 एनडीए को, 39 यूपीए को और अन्य 6 के खाते में जाती हुई। और ये अपने आप में इस सवाल को जन्म देता है राजकिशोर के। फिर राजकिशोर हमारे साथ है नहीं, मैं चाहूंगी वो जल्दी ही हमारे पास आ जाएं। अभय जी मैं आपसे चाहूंगी, ये जो आंकड़ा हम दिखा रहे हैं 194 में से 149 एनडीए को, ये आंकड़ा क्या कह रहा है? ये आंकड़ा ये कह रहा है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। नरेंद्र मोदी की शख्सियत दूसरे विपक्षी नेताओं के ऊपर हावी है, लेकिन इसका मुकाबला विपक्ष एक ही तरीके से कर सकता है कि वो गैर भाजपा शक्तियों की एकता का जो इंडेक्स है उसको और ऊपर करे। 2014 में यही भाजपा को सबसे बड़ा लाभ हुआ था, भाजपा विरोधी शक्तियों के वोट बिखरे हुए थे। ये तो मतलब मोदी लहर वाली तस्वीर आप देख रहे हैं क्या, 149 पे एनडीए और 39 पर यूपीए? अगर ये आंकड़ा आज के तारीख में सही है तो ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से है, और किसी वजह से नहीं है। क्योंकि जो कामकाज का रिकॉर्ड है, जो पार्टी के दूसरे नेताओं का योगदान है, वो सब ऐसा नहीं है। वो ब्राइट स्पॉट सिर्फ नरेंद्र मोदी का है। अगर ये आंकड़े सही हैं और अभी जमीन पे ये हालत है तो इसका मतलब कि पार्टी की निर्भरता, सरकार की निर्भरता नरेंद्र मोदी पे और ज्यादा होगी। ये बड़ी बातें कहीं, जल्दी से। चित्रा, ये अपने आप में बड़ा विरोधाभास है कि एक तरफ तो सरकार के जो मुखिया हैं, कहा जाता है कि जो कुछ हो रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण हो रहा है, और कहा आकलन ये किया जा रहा है कि कुछ भी ऐसा जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता बनी हुई है। तो ये दोनों आपस में मुझे लगता है विरोधाभास है। जिस प्रकार से हम यहाँ बैठ करके प्रधानमंत्री के कार्यों का मूल्यांकन करते हैं, यदि हम जमीन पर जाएं, गांव में जाएं, तो वो मूल्यांकन आपको अलग दिखता है, अलग दिखाई देता है। गाँव के लोग आज भी नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। गाँव के लोग खड़े हैं क्या मोदी जी के? हमारे मित्र को स्मरण करना चाहिए, 2004 में क्या हुआ, यही तमाम बातें अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कही जाती थी, और नतीजा क्या हुआ, तो थोड़ा सा ध्यान देने की। इंडिया शाइनिंग ने काम नहीं किया था, वही स्थिति होगी क्या? देखिए इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी काम करता है जब कम से कम दो मल्टीनेशनल मल्टी स्टेट पार्टीज हो। तो जब बीजेपी, एक समय बीजेपी जनता दल था, ये इस तरह की सिचुएशन होती है तो ज्यादा काम। अब चंद्रबाबू नायडू उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे या ममता बनर्जी क्या करेंगी? देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार में मुलायम सिंह को बिहार का यादव नेता नहीं मानता, लालू यादव को उत्तर प्रदेश का यादव नेता नहीं मानता, तो इस तरह का फर्क है। इसलिए मैं लौटूंगी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई है 194 में से, आप देख रहे हैं 149 पर एनडीए, और यकीनन ये मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी के तौर पर अगर इस तरह का आंकड़ा 4 बड़े राज्यों से निकलकर सामने आता है। वैसे सरकार इस बात को लेकर भी आश्वस्त है कि उसकी योजनाओं का फायदा देश भर के जिन 22 करोड़ लोगों को मिला है, वो लोग अगर उनमें से आधे भी अगर पक्ष में वोट करते हैं तो फिर बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन होगी।
लोकसभा चुनाव शुरू होने में तकरीबन 100 दिन का वक्त बाकी है। साल के आखिर का ये सबसे बड़ा सर्वे एबीपी न्यूज पर लगातार आप देख रहे हैं। चार बड़े राज्यों की हमने बात की, यूपी, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र की। हमने आपको दिखाया किस तरह से 194 में से 149 सीटें एनडीए को मिल रही है, 39 सीटें मिल रही है यूपीए को। अब तक की बड़ी बातों पर नजर डाल लेते हैं और उसके बाद देश के बाकी हिस्सों में लेकर आपको चलेंगे और बताएंगे कि वहां की स्थिति क्या कहती है। अब तक की बिग पिक्चर में यूपी में महागठबंधन नहीं तो फिर बीजेपी की बड़ी जीत, 72 सीटें 80 में से मिलते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन यूपी में महागठबंधन बना तो फिर बीजेपी को हो रहा है बड़ा नुकसान, 45 सीटों का नुकसान 14 के मुकाबले। महाराष्ट्र में यूपीए तो बिहार में एनडीए की बड़ी जीत, गुजरात में बीजेपी की बड़ी जीत, यह हमारा सर्वे बता रहा है। 26 में से 24 सीटें गुजरात में बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। अब तक की बिग पिक्चर में आपको बता दें महाराष्ट्र में नुकसान हो रहा है लेकिन बीजेपी को एनडीए को फायदा हो रहा है। गुजरात में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में महागठबंधन बना तो नुकसान, महागठबंधन नहीं बना तो फिर उसके लिए फायदा होगा। ये तो चार राज्यों की हमने बात कर ली और बड़ी तस्वीर भी आपको दिखा दी है, लेकिन अब देश के दिल में आपको लेकर चलते हैं। मध्य प्रदेश, कुल 29 सीटें हैं, वहां के आंकड़े क्या कहते हैं जानते हैं नेहा से। मध्य भारत की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान कुल मिलाकर 65 सीटें होती हैं। मध्य प्रदेश यानी देश का दिल, और अभी अभी वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है विधानसभा चुनावों में। लेकिन लोकसभा चुनाव में ये देखिए, मध्य भारत की 65 सीटें और एनडीए को इसमें से 47 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। मध्य भारत मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों जगह बनी कांग्रेस की सरकार। लेकिन अगर आप लोकसभा चुनाव देखें तो 47 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई और सिर्फ 18 सीटें यूपीए के पास, तीनों राज्यों में 6-6 लोकसभा सीटें जो कि यूपीए के खाते में आज की तारीख में जा रही है। अब इसको जरा तोड़ते हैं इस आंकड़े को, यानी इसका ब्रेकअप करके देखते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जहां विधानसभा चुनावों में मूड कांग्रेस के लिए नजर आ रहा था वो लोकसभा में उलटकर कैसे एनडीए हो रहा है। मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें और आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो 23 सीटें, 29 में से 23 सीटें जा रही हैं खाते में एनडीए के। और यूपीए जिसने अभी सरकार बनाई कांग्रेस पार्टी ने, वो सिर्फ 6 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश की बड़ी तस्वीर आपने देख ली है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में साल 2014 में 29 में से 27 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, हालांकि बाद में एक सीट रतलाम उपचुनावों में वो हार गई थी। मध्य प्रदेश के एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, ये तस्वीर क्या कहती है, 29 में से 23 एनडीए को बीजेपी को मिलती हुई? जी, मुझे लगता है कि ये आंकड़ा एक्सपेक्टेड लाइन पर ही है। इसके पहले भी 1998 में दिग्विजय सिंह की सरकार बनने के बाद 1999 के लोकसभा चुनाव में लगभग ऐसा ही हुआ था वहां पर। लेकिन 2013 में जैसा हुआ था, 14 में भी वैसा हुआ था, शानदार प्रदर्शन बीजेपी का। हाँ, क्योंकि 2013 देखिए, बीजेपी 2013 में जैसी सीटें ली वैसी 2014 में ली, मगर वो बीजेपी के लिए है, कांग्रेस के लिए नहीं है वैसा। यानी कांग्रेस ने अभी अच्छा प्रदर्शन किया तो वो अधिक सीटें ले। कांग्रेस ने अगर विधानसभा में टक्कर दी है तो वो टक्कर लोकसभा के लिए दिखाई क्यों नहीं दे रही है मध्य प्रदेश में? इसलिए नहीं दिखाई देती है कि क्योंकि मध्य प्रदेश मौलिक रूप से पिछले 20-25-30 वर्षों से बीजेपी की तरफ झुका हुआ स्टेट है, लेकिन केंद्रीय राजनीति के लिए, विधानसभा की राजनीति में वो कई बार कांग्रेस की तरफ झुकता है। इसलिए मैंने कहा 1998 में दिग्विजय सिंह लगातार दूसरी बार सीएम बने, लेकिन अधिक सीटें लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी। कुल मिलाकर आपकी बातों से मुझे ये समझ में आया है, अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान की ओर से कहा गया था कि बड़ी छलांग के लिए 2-3 कदम पीछे खिसकाने पड़ते हैं, तो क्या वो 2-3 कदम इस रूप में है? मैं जान लेती हूँ सबसे पहले यशवंत जी आपसे ही, 23 सीटें 29 में से मध्य प्रदेश में, ये आंकड़ा क्या कह रहा है, बीजेपी के पक्ष में है या आपको लग रहा है कि 27 तो जीती ही थी 14 में, फिर तो उसको नुकसान हो रहा है? नहीं, ये आंकड़ा अभी का है। मेरा अपना मानना यह है इसमें, इन आंकड़ों में और बदलाव होगा जैसे जैसे आप इलेक्शन के पास पहुंचेंगे, और ये आंकड़ा शायद बीजेपी के पक्ष में और भी ज्यादा जाए। पक्ष में क्यों जाएगा? क्योंकि इस बार छिंदवाड़ा कमलनाथ जी खुद नहीं लड़ेंगे, बहुत बड़ा अंतर समझिए कि यहाँ से वो 9 बार से सांसद रहे, जो कांग्रेस के खाते में मध्य प्रदेश में पिछले 20-25 साल में वो सीटें गई हैं जो उनके अपने मजबूत नेताओं की अपनी मजबूत घर वाली सीटें रही हैं। इस बार वैसी स्थिति नहीं होने वाली है। आपने वोटों के आंकड़े में देखा कि बीजेपी को दरअसल कांग्रेस से वोट ज्यादा ही मिले असेंबली इलेक्शन हारने के बाद में भी, और लोकसभा चुनाव में तो और भी ज्यादा। वो अरविंद जी, नहीं, मेरी एक क्यूरियोसिटी देशमुख से है या अनुज से है कि ये मोदी और शिवराज में से किसका वोट है, क्योंकि शिवराज काफ़ी मजबूत रहे हैं और विधानसभा के लिए हम ये मानते रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस हुआ है वो शिवराज का योगदान काफ़ी बड़ा है। ये बात तो बिल्कुल सच है कि मतलब आखिरी वक्त तक ये बताना मुश्किल पड़ रहा था कि कौन जीतेगा। मैं आपकी आपके पास आऊंगी। ये बताइए, जो सवाल यहाँ पर पूछा है अरविंद जी ने, ये किसका वोट है, नरेंद्र मोदी जी का या फिर शिवराज सिंह चौहान का?
असेंबली इलेक्शन में शिवराज जी का वोट था, लोकसभा इलेक्शन में नरेंद्र मोदी का वोट होगा। ये मोदी जी का वोट है। मध्य प्रदेश चुनाव का हम लोगों ने जो एग्जिट पोल दिखाया था, दरअसल पोस्ट पोल सर्वे था, उसके अंदर एक खास बात निकल के आई थी। मैं इन आंकड़ों से नहीं झगड़ रहा हूँ, उसकी तरफ ध्यान खींच रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में अब जनता से पूछा गया है कि आप किस सरकार से नाराज हैं, केंद्र सरकार से नाराज हैं या राज्य सरकार से नाराज हैं। तो राजस्थान में नहीं, मध्य प्रदेश में निकल के आया था कि वो राज्य सरकार से भी ज्यादा बहुत सारे मतदाताओं की नाराजगी केंद्र सरकार से थी। तो अब ये एक नजारा, उससे दूसरा संदेश मिलता है। लेकिन ये तो चेंज हो रहा है ना, यशवंत देशमुख ये बता रहे हैं। और इसी सवाल के साथ मैं आपके पास अनुज जी आऊंगी। उनका ये कहना है कि विधानसभा में जो टक्कर दी वो शिवराज जी ने, लेकिन लोकसभा में मोदी को वोट देती हुई वहां की जनता दिखाई दे रही है। देखिए, पिछले कई चुनाव में आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर दिखती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में गैप बढ़ जाता है। कांग्रेस लीडरशिप क्राइसिस से गुजरती रही है पिछले कई दशकों से, यानी नरसिम्हा राव जी के समय से ही मैं कहता हूं, और इसलिए बीजेपी के पक्ष में अतिरिक्त वोटिंग लोकसभा में होती रही है। हमने मध्य प्रदेश की बात कर ली है जहां पर कांग्रेस ने हाल ही में कमलनाथ के नेतृत्व में अपनी सरकार बनाई है, लेकिन वहां पर बहुत बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर दूसरे दिल देश की ही बात करें, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की, वहां की तस्वीर क्या बोल रही है, जानते हैं सीधे नेहा से। तो आइए अब हम राजस्थान की बात कर लेते हैं। हम आपको ये तो बता रहे हैं कि किस तरह से 65 में से 47 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, लेकिन उसमें से राजस्थान का कितना योगदान है। राजस्थान की कुल 25 में से आज भी अगर चुनाव हो जाए तो 19 सीटें एनडीए को जाती हुई नजर आ रही हैं, बावजूद इसके कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराकर कांग्रेस की सरकार बनी है। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव हो तो मूड बीजेपी की तरफ है जनता का। 25 में से 19 सीटें जा रही हैं एनडीए के खाते में और सिर्फ 6 सीटें यूपीए को मिलती नजर आ रही हैं, बावजूद इसके कि कांग्रेस पार्टी की विधानसभा में सरकार बनी है राजस्थान में। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, ये तीसरा वो राज्य रहा हिंदी हार्टलैंड का जहां पर सरकार बनाई कांग्रेस ने, लेकिन आज की तारीख में 11 में से 5 सीटें वहां एनडीए को जा रही है। यहां थोड़ा एडवांटेज जरूर है कांग्रेस पार्टी को, यूपीए को 6 सीटें जा रही है, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में कांटे की टक्कर साफ तौर पर नजर आ रही है। 11 में से 5 सीटें एनडीए को और 6 सीटें जा रही है यूपीए को, लेकिन लेट नेट मध्य भारत के तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कुल 65 सीटें 47 सीटें आज की तारीख में एनडीए को जा रही हैं। विधानसभा में भले ही राज उखाड़ फेंका हो कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन लोकसभा में अब भी एनडीए बहुत आगे है यूपीए के मुकाबले। बड़ी तस्वीर एक बार फिर से, मध्य भारत में कुल 65 सीटें हैं और अगर आज चुनाव हो जाए लोकसभा के, एनडीए के खाते में 47 और यूपीए सिर्फ 18 सीटों पर सिमटता हुआ। तीनों राज्यों में सिर्फ 6-6 सीटें जा रही हैं कांग्रेस पार्टी के खाते में और उधर एक बंपर नंबर 65 में से 47 का चित्रा एनडीए लेती हुई नजर आ रही है मध्य भारत के तीनों राज्यों से। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की हमने सबसे पहले मध्य भारत में बात कर ली थी, राजस्थान की पूरी 25 सीटें बीजेपी के खाते में 2014 में गई थी और बात करें छत्तीसगढ़ की, 11 में से 10 सीटों पर उसे जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार वो आधे पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? सबसे पहले रशीद जी, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस ने विधानसभा में जिस तरह का प्रदर्शन किया है लोकसभा में भी देखने को मिलेगा, लेकिन तस्वीर तो उलट नजर आ रही है। मुझे लगता है चित्रा सी वोटर ने बहुत उदार हृदय से सीटें दी हैं। राजस्थान की जहां तक स्थिति है, वहां पूरा एक इतिहास रहा है हमेशा, जो है वो दूसरों को, जो कांग्रेस को गई गुजरी हालत में भी अगर वो सत्ता में आते हैं तो 18 से 20 सीटें मिली हैं। और मध्य प्रदेश में मानता हूं मामला बराबरी का खत्म हुआ, तो सीटों में भी ऐसे ही होगा, सीटों में भी ऐसा होना चाहिए। आपने यशवंत जी, मतलब आपने उदार होकर बीजेपी को सीटें दी? मैं तो बहुत ज्यादा उदार मना हूं, जहां कांग्रेस को इच्छा होती है वहां पर भी उदारीकरण के तहत पूरी कांग्रेस को सीटें देता हूं, जहां बीजेपी की होती है। सवाल यह है कि ये उदार बने की बात जो है, 3 महीने जब हम लोग कह रहे थे कि कांग्रेस 3-0 से जीत रही थी, रोज हमारा ट्रैकर आ रहा था एवरी डे, नॉट अ सिंगल डे जब हम लोग ने बोला हो कि बीजेपी इन स्टेट्स में, 3 स्टेट्स में, मतलब उदार होकर आपने सीटें नहीं दी हैं बीजेपी को। एक दिन 3 महीने में ऐसा नहीं था ट्रैकर में जब हमने बोला हो कि बीजेपी जीत रही है इन 3 स्टेट्स को, एक दिन। और एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब हमने ये न बोला हो कि इसी सैंपल में लोकसभा इलेक्शन के लिए कम से कम 10-15% का स्प्लिट वोट आ रहा है प्रो मोदी या प्रो बीजेपी लोकसभा वोटिंग बिहेवियर में। आपकी बात में वैसे दम है। यहाँ पर दर्शकों को मैं बता दूं, सियासत का सेंसेक्स हर रोज जो 8 बजे आप हमारा कार्यक्रम देखते हैं उसमें यशवंत देशमुख जी ने जो बातें कही है, 3-0 वाला जो आंकड़ा कांग्रेस के पक्ष में, वो हम लगातार दिखाते रहे हैं। उदार हृदय से इन्होंने वोट नहीं दिया है, ये इन्होंने जो जमीन पर देखा और लोगों से बातचीत की उसके आधार पर वो आंकड़े दिए हैं। आपको क्यों लगता है कि वो उदार हो गए बीजेपी को लेकर?
नहीं देखिए, क्योंकि राजस्थान में हमेशा एक बदलाव का जो होता है, देखिए वोटर एक आदमी जो है जिसने अपना मन बनाया है, एक राजनीतिक आस्था के प्रति वोट दिया है, वो छह महीने में इतने उसका मन नहीं बदलेगा। दूसरी बात, अटल बिहारी वो नरेंद्र मोदी जी ने शाम को 4:30 बजे जब 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो रहा था, तब तक उन्होंने कहा कि ये वोट मेरे लिए है राजस्थान में, और उनको वोट नहीं मिला, तो ये दिखाता है कि वहां के ऊपर बदलाव होगा, लोकसभा के भी मेंबर्स में बदलेंगे। जल्दी से आपको जोड़, इस चुनाव में केवल पूरे राजस्थान की हर सीट पर 200 सीट पर केवल एक नारा चला था बहुत जोर से, कृपया वो नारा बता दीजिए। वसुंधरा जी से बैठ नहीं, यही नारा तो यही है ना, नारा यही है मुझे लग रहा है, इशारा उनका। चुनाव के रिजल्ट जो है वो नारों के ऊपर नहीं होते, नारे अच्छे लगते हैं, कान को भले लगते हैं, लेकिन जमीन की स्थिति अलग होती है। नारे लेकिन कार्यकर्ताओं में उत्साह तो पैदा करते हैं ना, लेकिन ये बताइए आप कितनी दे रहे हैं, मतलब मध्य भारत की हमने 65 में से 47 एनडीए, यूपीए को 18, आपके लिहाज से कितनी जा रही है यूपीए को? मेरे ख्याल से वो 30 सीटें एनडीए को मिलेंगी और 35 सीटें यूपीए को मिलेंगी। 30 सीटें यहाँ पर मिलेंगी एनडीए को, 35 यूपीए को, आप सहमत है क्या? आपका आंकलन क्या कह रहा है? मुझे लगता है 50 सीटें तक एनडीए निकाल पाने की हालत में होगी लोकसभा में, बशर्ते 50 सीटें, बशर्ते किसानों की कर्ज माफी यदि कांग्रेस ने वास्तव में धरातल पर कर दी तो बीजेपी एनडीए 25 पे भी आ जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। लेकिन 1999 का जो वो कह रहे थे कि जो विधानसभा जीतता वही लोकसभा जीतता है, नहीं, 1999 उसका उल्टा हुआ है। अशोक गहलोत की सरकार आने के बावजूद 25 में से 16 सीटें बीजेपी लोकसभा में जीत के गई 1999 में, इसलिए अलग भी हो सकता है। ये बड़ी बात आपने कही है। यहाँ पर देखिए मध्य भारत की बड़ी तस्वीर हमने रखने की कोशिश की है, 65 में से 47 एनडीए को, यूपीए को 18 सीटें जाती हुई मध्य भारत से दिखाई दे रही हैं। कुछ हमारे मेहमान इस आंकड़े से सहमत हैं, कुछ लोग सहमत नहीं है। फिलहाल ओडिशा की अब हम बात कर लेते हैं। आपको बता दें पूरा दमखम बीजेपी ने ओडिशा जीतने के लिए लगाया हुआ है, वहां के आंकड़े क्या कह रहे हैं जानते हैं सीधे नेहा से। तो ओडिशा की अगर बात करें, कुल वहां पर 21 सीटें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाहे बगाहे वहां से चुनाव लड़ने की चर्चा भी होती है, प्राइम मिनिस्टर की आज रैली भी वहां पर है, लेकिन क्या कह रहा है लोकसभा चुनाव का मूड ओडिशा में? कुल 21 सीटें और अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए, सोचिए आप, 21 में से 15 सीटें एनडीए को जा रही है, और कितना बड़ा झटका बीजू जनता दल को लग रहा है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जहां पर बीजू जनता दल सिर्फ 6 सीटों पर सिमट रही है और सारा का सारा फायदा 15 सीटों के रूप में जा रहा है एनडीए को। एक बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री के खुद ओडिशा से चुनाव लड़ने की चर्चा बहुत गर्म रही है, प्रधानमंत्री और बीजेपी बहुत ज्यादा जोर वार लगा रहे हैं, उसका असर दिख रहा है कि लोकसभा चुनाव से 100 दिन पहले हमारे इस बड़े सर्वे में 15 सीटें एनडीए को मिल रही हैं 21 में से, और 6 सीटों पर बीजू जनता दल जिसका गढ़ रहा है ओडिशा सिमटता हुआ सिर्फ 6 सीटों पर नजर आ रहा है। चित्रा, बिल्कुल सही कहा आपने नेहा, और 2014 में 20 सीटों पर बंपर तरीके से बीजू जनता दल ने वहां पर जीत हासिल की थी, लेकिन यहां पर एनडीए को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजकिशोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ओडिशा में जो दमखम प्रधानमंत्री लगा रहे हैं, बीजेपी लगा रही है, उसका फायदा इन आंकड़ों में भी दिखाई दे रहा है, 21 में से 15 सीटें एनडीए। बिल्कुल चित्रा, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि नवीन पटनायक का जो वहां पर निर्विवाद रूप से नाम था, और पिछली बार 2014 की आंधी में वो बिल्कुल नहीं हिल पाए थे, वो इस बार कम से कम सिराजा बिखरता हुआ नजर आ रहा। उसके कई कारण हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जो पेट्रोलियम मंत्री, उनको वहां पर चेहरे की तरीके से वहां पर पेश भी कर दिया गया है, सिर्फ नाम ही नहीं रखा गया है, और लगातार उज्ज्वला योजना और जो तमाम योजनाएं हैं वहां पर आदिवासियों तक लगातार पहुंच भी बनाई जा रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जैसा कि अभी आपने कहा पूरी से भी खबरें आई हैं, अब वो होता या नहीं होता वो समय बताएगा, लेकिन इन सब चीजों के बाद लगातार इतने दिन एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है और कांग्रेस वहां पर अपनी उपस्थित दर्ज नहीं करा पाई। ये बड़ी बातें हैं, कांग्रेस को कहीं दिखाई नहीं, मतलब यूपीए 0 और एनडीए को अगर 15 सीटें मिल रही है, क्या मोदी जी वहां से चुनाव लड़ सकते हैं? इस तरह की खबरों का भी असर वहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है अभय जी। अगर उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो फिर बीजू जनता दल और कांग्रेस को आपस में गठजोड़ करना होगा, वो कर नहीं पाएंगे वो अलग बात है, इसको और व्यापक दृष्टिकोण से भी देखने की जरूरत है। भाजपा ने पिछले 4-4.5 साल में पूर्वी भारत में अपना काम बहुत बढ़ाया है, उधर केसीआर अलग से मुलाकात कर रहे हैं सभी से, पूर्वी भारत में बहुत काम बढ़ाया है और भाजपा को पूर्वी भारत में काफी अच्छी कामयाबी इन चुनावों में मिलने वाली है। ठीक है, आपको भी लग रहा है कि मोदी जी के वहां पर जाने से, अमित शाह के पूरे दमखम को लगाने से बीजेपी को इस तरह का फायदा मिल रहा है ओडिशा में? नवीन पटनायक ने नेशनल पॉलिटिक्स पे 0 रोल प्ले किया है, किसी चीज पे स्टैंड लेने से बचते रहे हैं,
उसका नतीजा ये बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि जब नेशनल चुनाव होंगे तो फिर आपको लोग क्यों पूछेंगे। और ये बीजेपी का अपना परफॉर्मेंस जो है सो है, नवीन पटनायक का कामकाज भी इससे रिफ्लेक्ट, मतलब उनकी नाकामी का भी फायदा यहाँ पर बीजेपी एनडीए को हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि 15 साल जिस व्यक्ति ने चीफ मिनिस्टर के तौर बिताए, एक रूटीन फैटीग रूटीन, अब आपने अभी मध्य प्रदेश में जो देखा बहुत पॉपुलर चीफ मिनिस्टर, एक रूटीन फैटीग भी तो होता है ना। तो नवीन पटनायक हो सकता है कि उड़ीसा में स्प्लिट वर्डिक्ट भी मिले, फिर हम पश्चिम बंगाल के लेफ्ट सरकार का भी तो उदाहरण दे सकते हैं। हो सकता है उड़ीसा में आपको स्प्लिट वर्डिक्ट भी मिले, हो सकता है ये भी संभावना है कि नवीन पटनायक असेंबली लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर ले जाए, लोकसभा लेवल पे उतना अच्छा परफॉर्म न कर पाए। लेकिन 15 साल एक अदद बहुत पॉपुलर चीफ मिनिस्टर इतनी सारी सीटें एक तरफा जीत करके लगातार जीतता रहा है, लेकिन एक फटीग है जो जो कहीं ना कहीं सेट इन करता है। रूटीन देखिए, लोकतंत्र में इनकम्बेंसी का सेट होना, एंटी इनकम्बेंसी मूड का सेट होना, ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस है और एक हेल्दी प्रोसेस है। लेकिन इसको तो बीजेपी मानती ही नहीं है ना, वो खुद ही इस बात को खारिज करती है कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज नहीं होती है। फिलहाल ओडिशा में बीजेपी को फायदा होता हुआ और उसके उम्मीदों के अनुरूप ही अभी तक के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। ओडिशा के 21 में से एनडीए 15 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल जिसको लेकर अमित शाह ये दावा करते हैं कि वहां की 42 में से 22 सीटें तो आराम से हम जीत जाएंगे, वहां के आंकड़े क्या कह रहे हैं जानते हैं नेहा से। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटें, देश का मूड क्या कह रहा है पश्चिम बंगाल के लिए, आइए आपको बताते हैं बड़ा आंकड़ा पश्चिम बंगाल से, जहां 42 लोकसभा सीटों पर अगर आज लोकसभा के चुनाव हो तो आज भी एनडीए जो है वो 9 सीटें पाता हुआ ही नजर आ रहा है। यूपी के खाते में सिर्फ एक सीट जा रही है और बाकी बची सीटें टीएमसी, ममता बनर्जी की टीएमसी। साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में अब भी ममता का जादू बरकरार है। 42 में से 32 सीटें टीएमसी के पास जा रही हैं और एक जो प्राइम मुख्य ऑपोजिशन जो कहा जा रहा था प्रिंसिपल ऑपोजिशन, उसकी भूमिका में एनडीए नजर आ रहा है दूसरे नंबर पर 9 सीटों के साथ। और यूपीए लगातार यहां से हटता हुआ तस्वीर से सिर्फ एक सीट पर, और वाम दल आपको लेफ्ट कहीं इस बड़ी तस्वीर में नजर नहीं आएगा। यहां मुकाबला टीएमसी और एनडीए के बीच में, जहां पर 32 सीटें 42 में से ले जा रही है पश्चिम बंगाल में ममता की टीएमसी। बड़ी बात तो नेहा यह है कि राहुल गांधी न लेफ्ट में न राइट में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। और आपको बता दें कि कुल 42 में से 34 सीटें टीएमसी को मिली थी साल 2014 में, बीजेपी को 2 सीटें मिली थी, लेकिन बीजेपी अच्छा करती हुई 9 सीटें, लेकिन अमित शाह की जो उम्मीदें हैं 22 सीटों की वो पूरी होती हुई इन आंकड़ों के जरिए दिखाई नहीं दे रही है। उत्तर में आती है कुल 25 सीटें, वहां के आंकड़े क्या कहते हैं चलते हैं नेहा के पास जानने के लिए। तो 25 सीटों पर पूर्वोत्तर भारत क्या कह रहा है आज की तारीख में लोकसभा चुनाव की बड़ी तस्वीर, आई है हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहां से भी एनडीए को बहुत उम्मीद है। तो 25 सीटें पूर्वोत्तर की ओर देखिए, 19 सीटें 25 में से जा रही हैं एनडीए को, बहुत ही सकारात्मक माहौल एनडीए के लिए लोकसभा चुनाव के लिहाज से। यूपीए 4 सीटों पर सिमटता हुआ, अन्य के खाते में 2 सीटें। तो जिन सीटों का नुकसान अगर यूपी से होता है बीजेपी को महागठबंधन बनने की शक्ल में, तो कोशिश उसकी यही रहेगी कि पूर्वोत्तर जैसे इलाकों से वो अपनी सीटें लाए, और यहां 25 में से 19 सीटें जा रही हैं एनडीए के खाते में पूर्वोत्तर में। चित्रा, ये बड़ी बात है नेहा कि कुल 25 में से 19 सीटें एनडीए के खाते में, जबकि 4 सीटें यूपीए के खाते में, मतलब पूर्वोत्तर से जो उम्मीदें हैं बीजेपी की वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं आंकड़ों में। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से स्ट्रेटेजी और ग्राउंड पर काम किया है, हेमंत विश्व शर्मा का आना ये बहुत बड़ा जो है एक तरह से बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट पर, मतलब कांग्रेस का चेहरा बीजेपी को फायदा पहुंचा इस तरह के वो स्ट्रेटजिस्ट हैं, जिस तरह से लगकर काम करते हैं, और बीजेपी और संघ के दूसरे संगठन है उनका जो काम है वो आपको नॉर्थ ईस्ट में दिखाई दे रहा है, इसका असर आपको उड़ीसा तक दिखाई दे रहा है। उड़ीसा में स्थानीय स्तर पर देखिए, पिछले चुनाव में बूथ स्तर के कार्यकर्ता नहीं जल्दी बीजेपी को वो, और पश्चिम बंगाल में लगभग वही स्थिति है। लेकिन आप ये देखिए सारे आंकड़ों को अगर आप देखें, तो एक बात जो स्पष्ट उभर कर आ रही है कि कहीं एंटी इनकम्बेंसी केंद्र सरकार के खिलाफ दिखाई नहीं दे रही, ये बड़ी बात है। कम से कम उत्तर भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों को अगर हम देखें तो ज्यादातर हिस्सों में ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि सत्ता विरोधी लहर उस तरह की दिखाई नहीं दे रही। और अब तक पूरे आंकड़ों पर आप नजर डालेंगे लगातार, जिसकी जानकारी भी हम दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें एनडीए बाजी मारता हुआ 347 के आंकड़े आपके सामने हमने रखे हैं, 239 यहां पर एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, और यूपीए बहुत पीछे है सिर्फ 62 के साथ। ये तो हमने बात कर ली है उत्तर के राज्यों की और इसके साथ ही पूर्वोत्तर की, लेकिन दक्षिण भारत जहां से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं कांग्रेस पार्टी को, वहां पर तस्वीर क्या बनती है जानते हैं। सीधे चलते हैं नेहा के पास, डेटा सेंटर। नेहा, एक
169 सीटें दक्षिण भारत की, और लोकसभा चुनाव के लिहाज से दक्षिण भारत क्या कह रहा है, आंध्र हो, तेलंगाना हो, केरल हो, इन सब में क्या मूड है। दक्षिण भारत की कुल 169 सीटों पर बड़ा फिगर हम आपको दिखाते हैं। एनडीए यहां पे काफी खराब परफॉर्म करता हुआ, सिर्फ 15 सीटें, लेकिन देखिए यूपीए को कितना बड़ा फायदा मिल रहा है। 80 सीटें यूपीए के खाते में जा रही हैं और 34 अन्य के खाते में। डीएमके के स्टालिन पहले ही कह चुके हैं कि राहुल गांधी को पीएम का उम्मीदवार 2019 के लिए बनाना है। टीडीपी के साथ अलायंस हुआ है और आप देख रहे हैं उसका असर नजर आ रहा है। 80 सीटें आज की तारीख में अगर वहां चुनाव होते हैं तो यूपीए के खाते में जा रही हैं, 169 में से। यहां एक बड़ा फायदा यूपीए को, और यहां पर काफी पीछे एनडीए यूपीए के मुकाबले। चित्रा, एनडीए ने लगातार कोशिश की दक्षिण में अपने पैर जमाने की, लेकिन वो कोशिश कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और यहां पर यूपीए को सीधा सीधा फायदा। वैसे आपको बता दें कि दो बड़ा गठबंधन वहां पर हो चुका है स्टालिन की पार्टी से और तमिलनाडु की। कुल 39 सीटों में से पूरी की पूरी सीटें ये महागठबंधन, ये गठबंधन जीता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करें आंध्र प्रदेश की, कुल 25 सीटें हैं और वहां पर यूपीए को मिल रही हैं 11 सीटें, वाईएसआर को 14 सीटें मिल रही हैं। वाईएसआर के बारे में मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन लक्ष्मी देवी जो साउथ एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ में है, आपसे ये जो आंकड़ा सामने आया है 129 में से 80 यूपीए, 15 एनडीए, किस तरह से देख रही हैं आप इसको? ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। पिछले 2014 में बीजेपी का 21 सीट्स आए हुए थे एंड वहाँ से घट के 15, इट मीन्स यू नो एंटी इनकमबेंसी का बड़ा फैक्टर है और रीजनल पार्टीज वहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। टीआरएस हो या एआईडीएमके इन तमिलनाडु या कर्नाटक में, जो अलायंस है जेडीयू और कांग्रेस की, बहुत बड़ा टक्कर देने वाले हैं और बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि हालांकि रिसेंटली अनंत कुमार जी का गुजर जाने के बाद वहाँ पे बहुत बड़ा वैक्यूम है, वो बीजेपी के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह साबित हुआ है, व्यक्तिगत तौर पर भी बीजेपी के नेताओं को और राजनीति के तौर पर भी। फिलहाल यहां पर हम आपको फाइनल फिगर दिखाएंगे बस कुछ ही देर में, जिसका इंतजार हमारे दर्शक कर रहे हैं, लेकिन अब तक की बड़ी तस्वीर हम आंकड़ों के जरिए सामने रख देते हैं। अब तक जिन जिन आंकड़ों की हमने बात की है एक बार नजर डाल लेते हैं। नेहा पंत हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो लगातार आपको डेटा सेंटर से बता रही है कि किसके पक्ष में कितने आंकड़े जा रहे हैं। 543 सीटों में से नेहा, अब तक की बिग पिक्चर, बड़ी तस्वीर क्या लग रही है आपको? देखिए बड़ी तस्वीर यही कह रही है कि यूपी जो सबसे अहम राज्य है, वहां पर वर्तमान स्थिति साफ ये कह रही है कि अगर महागठबंधन बन गया तो मुश्किल, लेकिन अगर अभी जैसी स्थिति रहती है तो बीजेपी को वहां बड़ा फायदा होगा। आप स्क्रीन बड़ी देख रहे हैं, 476 सीटों में से 254 सीटें जा रही हैं एनडीए के खाते में, ये बहुमत के मार्ग से अभी दूर है। यूपीए की स्थिति अभी अच्छी नहीं है, 142 सीटें यूपीए के खाते में जाती हुई। फाइनल आंकड़ा, बड़ी तस्वीर, वोट परसेंटेज और 543 सीटों में किसको कितनी सीटें। रात 8 बजे हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, हम आपको बताएंगे ये बड़ी तस्वीर, बड़ा आंकड़ा कि अगर आज हो जाए चुनाव, किसकी बन रही है सरकार और कौन बन रहा है प्रधानमंत्री। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।